ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे पटना से, जहां पर पुलिस ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकवादियों में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, जबकि दूसरा गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आरोपी मंजर का सगा भाई है। आपको बता दें कि दोनों के पास से पीएफआई से जुड़ी सामग्रियां बरामद हुई हैं और इसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्लान का जिक्र है। तो यहां पर ये बड़ा खुलासा किया गया है, मंजर का सगा भाई है दूसरा आतंकी अतहर, और ये कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तमन्ना इन दोनों की थी। एक आरोपी इनमें पटना गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। संदिग्धों के पास पीएफआई से जुड़ी सामग्रियां जो हैं वो भी यहां पर बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको आज तक पर दे रहे हैं। एक रिटायर्ड दारोगा भी इसमें पुलिस का है, झारखंड पुलिस का दारोगा जलालुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा हैरान करने वाला खुलासा, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा पाले यहां पर ये अतहर और जलालुद्दीन, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, टेक्निकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया, और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे दो व्यक्ति मिले जो जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2002 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001-2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है, और अभी पिछले दो सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। हम आपको बता दें कि आज तक संवाददाता रोहित सिंह संदिग्ध के घर पहुंचे, वहां से हम आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक बड़े संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, और जो जानकारी मिली है वो ये कि ये जो पूरा मॉड्यूल पटना में पिछले कुछ समय से चल रहा था, दरअसल ये 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था वो आतंकवादियों के निशाने पर था। इस वक्त हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके में, और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं अहमद पैलेस, दरअसल ये जो बिल्डिंग है ये मोहम्मद जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि झारखंड पुलिस से रिटायर्ड दरोगा है, और इसके साथ ही पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अतहर परवेज है। इन दोनों लोगों का जो कनेक्शन है वो पीएफआई और एसडीपीआई से बताया जा रहा है, और जो जानकारी मिली है आज तक को उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये दरअसल एक ट्रेनिंग सेंटर था, ये आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था, और इस पाठशाला में दरअसल पिछले 15 दिनों से लगातार देश के कई हिस्सों से, केरला, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से जो लड़के हैं वो यहाँ पर आ रहे थे, और बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे हथियार चलाने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, शारीरिक ट्रेनिंग भी जो है इन लोगों को दी जा रही थी, और सबसे बड़ी मीटिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो थी 6 और 7 जुलाई को जो है यहाँ पर बैठक हुई थी, और उसमें जो है बताया गया कि देश भर के कई लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए थे, और फिर इंटेलिजेंस को इसके बारे में जानकारी मिली, और फिर पटना पुलिस से जो है ये पूरी जानकारी साझा की गई, और फिर प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की, और फिर यहाँ से मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया। और जो इस कमरे से जो कि पूरा बिल्डिंग है जो कि पाठशाला बताया जा रहा है, आतंक का पाठशाला, यहाँ से पुलिस को कई दस्तावेज भी मिले हैं, और एक दस्तावेज दरअसल उससे जुड़ा हुआ है कि कैसे भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, उससे जुड़े दस्तावेज हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे पटना, जरा बताइए कि जो खुलासा है वो हैरान करने वाला है, लेकिन अब इसमें नया अपडेट क्या आ रहा है, क्योंकि लगातार बातें छन छन कर सामने आ रही है, लेटेस्ट रिपोर्ट इस घटना को लेकर आपके पास क्या है?
देखिए शुभंकर, कल रात तक जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो संदिग्ध आतंकवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। किस मामले में छापेमारी हुई थी ये पता नहीं था, लेकिन आज जब आज तक के हाथ वो FIR लगी है उसके बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पर आतंक की पाठशाला चल रही थी और सबके उस पर निशाने पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था वो टारगेट पर था। साफ साफ उस FIR में लिखा है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री पटना आने वाले थे और उससे ठीक 15 दिन पहले लगातार यहाँ पे देश के कई हिस्सों से केरला, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से लड़के वहाँ पहुँच रहे थे फुलवारी शरीफ के उस आतंकी फैक्ट्री जिसे कहा जा रहा है। वहाँ आर्म्स की ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, शारीरिक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया जाए। और 6 और 7 जुलाई को एक विशेष मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को हुई। उसके बाद पटना पुलिस को अलर्ट किया गया और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले उस घर पर छापेमारी होती है फुलवारी शरीफ में, जहां से 2 लोगों को संदिग्ध जो आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, अधिकारी है माफ कीजिएगा, और अथर परवेज नाम का एक संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक बहुत बड़ी घटना जिसे अंजाम देना चाहते थे ये आतंकवादी 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री पटना में जो थे उसको जो है किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं उसको रोका है और एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ जो है वो किया गया था। और ये बात बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये FIR की कॉपी भी दर्शकों को हम दिखा दें। ये FIR की कॉपी देखना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें तमाम जानकारियां जो है वो महत्वपूर्ण लिखी हुई है। अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, निशाने पर प्रधानमंत्री थे, ये कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी, तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी जिसमें शारीरिक ट्रेनिंग भी थी। यानी कुल मिलाकर मंसूबे जो हैं वो जो खबर आ रही है या जो FIR में जिक्र है वो बड़े खतरनाक लगते हैं, चाहे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की बात हो या गजवाए हिंद जो नारे आते हैं उसको मुकम्मल करने की बात हो। अब सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद कैसे सतर्क हैं जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और यह खबर कितनी ज्यादा बड़ी है क्राइम के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से। देखिए शुभांकर, इसमें 2 बड़ी बातें हैं जो काफी गंभीर हैं। पहली ये कि जो गिरफ्तार अथर परवेज है वो सिमी से ताल्लुक रखता है, नंबर 1। नंबर 2, इस FIR के मुताबिक 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट था वो टारगेट पर था। तो मैं आपको ले चलना चाहूंगा साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में, प्रधानमंत्री की जो रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें हमला हुआ था, उसमें भी जो गिरफ्तार आतंकी थे वो सिमी से ताल्लुक रखते थे, नंबर 1। नंबर 2, जो अथर परवेज जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था आतंकी, उसका जो भाई है मंजर परवेज, उसको 2013 के जो हुंकार रैली में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में और बोध गया में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये बेहद गंभीर है कि यहां पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से ये इनपुट दिया बिहार पुलिस को, जिसके बाद बिहार पुलिस उस ठिकाने तक पहुंची जहां हमारे सहयोगी रोहित मौजूद है, और वहां पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि केरल के अलावा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमाम अलग अलग स्टेट से लोग वहां पर आए थे, उनको चाकू चलाने की, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और आपको बताऊं, बकायदा एविडेंस है, बिहार पुलिस के पास CCTV भी सीज किया गया है। हालांकि इतने दिनों से ट्रेनिंग चल रही थी, वहां मीटिंग चल रही थी, पटना पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार वहां पर मौजूद थी और उस इलाके के की जानकारी ली जा रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी मुमकिन हुई। और जो बड़ी चीज है, जो बड़ा दस्तावेज बरामद हुआ है वो ये बरामद हुआ है कि ये जो पूरा ग्रुप है इनका दरअसल मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना, और इसको लेकर तकरीबन 8 पेज का दस्तावेज बरामद हुआ है जिसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। तो जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनका ताल्लुक सिमी से है, प्रतिबंधित संगठन, और ऐसा भी एजेंसी का दावा है कि जब सिमी को बैन किया गया तो उसके सदस्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जो PFI का पॉलिटिकल विंग है SDPI उसमें शामिल हो गए। तो बहुत बड़ी खबर है, जो डेवलपमेंट खबर है। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये जो बिल्डिंग है यहां से बड़े पैमाने पर फंडिंग भी जुटाई गई, फंडिंग के भी एविडेंस मिले हैं। तो पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दस्तावेज बरामद होना, उसके अलावा ट्रेनिंग देना वहां पर, ये अपने आप में काफी गंभीर है। तो अब एजेंसी की
पकड़ इस बात पर होगी, जांच इस बात पर होगी कि किस किस स्टेट से आखिर वो कौन कौन लोग आए ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग लेना जिसमें तलवारबाजी बम फेंकना, इसकी ट्रेनिंग का मकसद क्या था? क्या दूसरे स्टेट में भी ये कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे? इस पर जांच होगी शुभांकर। बिल्कुल सही बात है।